हरे राम राम राम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ देखो, इस साधारण जगत में जैसे कोई व्यक्ति संसार में रहता है, उनको बेटा बेटी स्त्री पुत्र परिवार धन दौलत मकान दुकान सब चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए कि नहीं चाहिए चाहिए। इसलिए साधारण लोग क्या सोचते हैं, भाई तो हम तो संसारिक व्यक्ति हैं, हमको तो ये सब चीज़ चाहिए, लेकिन ये चीज़ को कौन देते हैं? बोले भोले बाबा देते हैं, मैया देवी देती हैं, गणेश जी देते हैं, हनुमान जी देते हैं। इसलिए वो अक्सर करके क्या सोचते हैं, ये सब देवा देवी को पूजा करते हैं। कभी जो कृष्ण भक्ति राम की भक्ति करते हैं वो तो संसार से मुक्ति चाहते हैं। क्या चाहते हैं? संसार से ये लोग मुक्ति चाहते हैं, इसलिए ये लोग कृष्ण को राम को भक्ति करते हैं। हमको तो मुक्ति नहीं चाहिए, हमको तो संसार में बीवी बच्चे स्त्री पुत्र परिवार दुनिया मकान दुकान हमें चाहिए। इसलिए लोग क्या करते हैं, वो अलग अलग देवा देवियों को पास में जाते हैं और अलग अलग चीजों को प्रार्थना करते हैं। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जो कह रहे थे, देखो परीक्षित, जो लक्ष्मी चाहते हैं ना वो माँ लक्ष्मी को पूजा करते हैं, और जो व्यक्ति बढ़िया भोजन चाहते हैं कहते वो अदिति माता को पूजा करने से बढ़िया भोजन मिलता है। हाँ, जिसको रिद्धि सिद्धि चाहिए वो श्री गणेश बाबा को पूजा करते हैं, जिसको विद्या चाहिए किसको पूजा करते हैं? माँ सरस्वती को पूजा करते हैं। जिसको जैसा चाहिए, तो उन्होंने एक एक चीज को जो प्राप्त करने के लिए वो अलग अलग देवताओं का नाम ले रहे थे, इनको पूजा करने से ये मिलेगा, इनको पूजा करने से ये मिलेगा, इनको पूजा करने से। तो बीच में श्री परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं, बोले सुखदेव गोस्वामी ये बताओ, आपके पास में ऐसे कोई एक देवता क्या है जो एक को पूजा करने से सब मिल जाए, बढ़िया घर मिल जाए, बढ़िया दुकान मकान मिल जाए, बढ़िया बेटा बेटी मिल जाए, धन विद्या सब कुछ मिल जाए, ऐसे कोई है देवता तुम्हारे पास में, लिस्ट में कोई एक देवता है? बोले हाँ है। बोले उनका नाम बोलो ना, अब इसको पूजा कर तो ये चाहिए, उसको पूजा कर तो ये मिलेगा, उसको पूजा कर तो ये मिलेगा। अरे जो एक को पूजा कर सब मिल जाए है, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो किसको पूजा करे, जिसको कुछ चाहिए वो किसको पूजा करे, ऐसे एक देवता का नाम बताओ। तब ये भागवत में बताए, बोले अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदार धी तिप्रेण भक्ति जोगे न जजेत पुरुषम्। मतलब है अकाम, अगर कोई निष्काम होकर के भक्ति करना चाहते हैं, सर्व काम मतलब हमें संसार का सब चीज चाहिए, स्त्री पुत्र परिवार धन दौलत हमें सब कुछ चाहिए, मोक्ष काम यहाँ तक भी जो मुक्ति चाहते हैं संसार से मुक्ति चाहते हैं, बोले वो किसको भजन करे? बोले जजेत पुरुषम परम, परम पुरुष जो भगवान कृष्ण उनको भक्ति करे, इनकी भक्ति से सब कुछ मिल जाए, तुमको अलग अलग इधर उधर भटकने का कोई जरूरत नहीं। लेकिन भगवान तो देते हैं, जब कहते ना भगवान जब देते नहीं जब देते हैं छपर फाड़ करके, ठाकुर जी देते हैं छपर फाड़ करके देते हैं। जैसे सुदामा, सुदामा को पहले ठाकुर नहीं दिए, लेकिन दिए तो छपर फाड़ करके दिए। पहले पंच पांडव को दिए नहीं, उनको जंगल में भटकना पड़ा, बड़े दुख कष्ट उठाए, लेकिन जब दिए ना पूरे जितने राज दुर्योधन का वंश और कुरु वंश खत्म कर दिए, खत्म करके और जितने आप महाभारत देखे होंगे जितने उनने राजस्व यज्ञ किया। राजस्व यज्ञ कौन कर सकता है? मतलब वही कर सकता है कि पृथ्वी का जितने सब राजा है जिनकी अधीनता स्वीकार करे, वही केवल राजस्व यज्ञ को कर सकता है, यज्ञ सब नहीं कर सकते। लेकिन उनने राजस्व यज्ञ किया, पृथ्वी का जितने राजा सब इनके चरण में सर झुकाए, तभी वो यज्ञ को उन्होंने करवाया। इसलिए भगवान राजस्व यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज को सिंहासन में बैठा करके पृथ्वी में जितने राजा में उनको मुकुटमणि बना दिया है, और इनका जितने विरोधी थे कौन थे? कुरु वंश थे, सब खत्म करके बाद में सब राज्य का सिंहासन किसको दिए? श्री युधिष्ठिर महाराज को दे दिए, सब युधिष्ठिर महाराज को दिए। इसलिए भागवत में अभी जितने कथा सुन रहे ना, तो जितने भक्त सुन कृष्ण का भक्त का सब कथा आती है, ध्रुव महाराज कौन थे? ध्रुव महाराज। भगवान उसको क्या दिया? कहते पृथ्वी का तो राज्य तो दिया, उसको बाद में
पूरा वैकुंठ का राज्य भी ठाकुर जी दे दिया। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, अम्बरीश महाराज, परीक्षित महाराज है, भरत महाराज, इसलिए कृष्ण के जितने भक्त सब भागवत में कथा आती सब राजा नहीं है, ये कोई राजा नहीं थे, क्या थे? राजा का भी राजा थे, सब महाराज महाराज थे, हैं महाराज महाराज थे। इसलिए भगवान कहते हैं जगत में सबसे सुंदर चीज मेरे भक्तों को मिलनी चाहिए, मेरे भक्तों के सिवाय। जैसे द्रौपदी की जो स्वयंवर सभा हो रही थी, आप देखे महाभारत में ना, स्वयंवर सभा में द्रौपदी को कौन शादी कर सकता है? सभी शादी नहीं कर सकते, वो अर्जुनी संभव है और यज्ञ कुंड से प्रकट हुई। उस समय में मिस इनवर जो थी उस समय में है, सारा दुनिया तरसते थे द्रौपदी को पाने के लिए। ऊपर में चक्र मछली घूमेगी, देखेगी नहीं, नित्य रहेगा कढ़ाई, तेल की कढ़ाई, और वो तेल की कढ़ाई की परछाई को देख करके निशान कहाँ साधना पड़ेगा? आंखों में। लेकिन कर्ण भी कर सकता था, कोई तो धनुष उठा नहीं सके, कर्ण धनुष उठाया, लेकिन कृष्ण द्रौपदी का बोले खबरदार इसको शादी नहीं करना, बोले मैं सूत पुत्र से शादी करना नहीं चाहता, ये सूत पुत्र मतलब जो घोड़ा चलाते हैं, जो रथ चलाते हैं। इसलिए तो वो काम को किसी ने किया है? अर्जुन ने किया वो काम। अर्जुन कौन है? कृष्ण भक्त है। इसलिए कृष्ण चाहते हैं जगत में सुंदर से सुंदर जो स्त्री है ना, किसको मिले? मिले तो मेरे भक्तों को मिले, और किसको नहीं मिले? इसलिए उन्होंने जैसे सुभद्रा, बहुत सुंदर थी सुभद्रा, दुर्योधन शादी करना चाहता, दुनिया तरसता था, लेकिन भगवान किसी से शादी नहीं कराने दिया, अपना अर्जुन से शादी करवाया। महाभारत देखे हम सबके साथ, उल्लू भी विचित्र विचित्र गदा और नाग कन्या, जहां से सुंदर सुंदर अर्जुन सब शादी किया। बोले नहीं, मेरे भक्तों को सबसे सुंदर भाई किसको मिलनी चाहिए, किसको मिलनी चाहिए? जैसे जैसे पंच पांडव है, ये पंच पांडव है, एक से एक सुंदर थे ये, और एक से एक बलवान थे। इसलिए कहते जगत में जितने जैसे है, जितने सुंदर, सब किसको मिलनी चाहिए? मेरे भक्तों को मिलनी चाहिए, और किसको नहीं मिलनी चाहिए? इसलिए कहते जहाँ पर कृपा हरि की हुई, तहाँ पर कृपा करे सब कोई, उसको फिर कृपा करनी चाहिए। इसलिए बोले कृष्ण ऐसे एक देवता हैं, जो एक देवता को पूजा करो ना तुमको सब कुछ मिल जाए। लेकिन भगवान तब भी देते हैं परीक्षा, ठोक पीट कर देते हैं, ऐसे नहीं देते थे, ऐसे नहीं देते भगवान। जैसे उदाहरण दिया, तुम्हारे दो बच्चे हैं, एक का पेट खराब है और एक का पेट सही है, एक का पेट खराब, एक का पेट सही है। अब देखना जो सही बच्चा होगा, अब तो उसको लड्डू कचौड़ी मालपुआ दाल बाटी चूरमा खिलाओगे, और जिस बेटे का पेट खराब हो ना, पतला पतला खिचड़ी खिलाओगे उसको, पतली पतली खिचड़ी खिलाओगे। क्यों क्यों? बोले भैया तुम भेद दृष्टि क्यों करते, दोनों को बराबर खिलाओ ना। बोले नहीं भैया, दोनों को बराबर ही देख रही, जानती है इसका पेट अभी पतला है, अभी हजम नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको क्या दो, पतला खिचड़ी खिलाओ पेट। और जिसको पेट सही है उसको बोले क्या, दाल बाटी चूरमा उसको खिलाओ, ठीक है ना। इसलिए देख करके देती है, कहते उसी तरह भगवान देते हैं, जब देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं, लेकिन कब देंगे? जब देखेंगे हजम कर पाएगा, इसको हजम कर पाएगा, तब। सुदामा का जी को दिए लेकिन बाद में दिए, पंच पांडव को दिए लेकिन बाद में दिए हैं। इसलिए भगवान की भक्ति करने से सब कुछ तुम्हें मिल जाएगी, अलग कहीं जाने का जरूरत नहीं है, हैं? लेकिन जो दूसरे जो देवा देवी है ना, जैसे रावण, नाम सुने रावण का, कौन जानते हो? सब जानते हो, सोने का लंका थी है ना, इंद्रजीत जैसे उसकी बेटा था, मंदोदरी जैसे, वो भी मिस यूनिवर्स थी, वो साधारण नहीं थी। मंदोदरी, मंदोदरी मतलब मंद मतलब पतली, उधर मतलब कमर, इसकी पतली कमर बहुत पतली उसकी थी, मतलब वो साधारण स्त्री नहीं थी, बहुत बहुत सुंदरी वो थी हैं। लेकिन उसको तो मिले, लेकिन शंकर जी कृपा सब मिला, लेकिन लास्ट में क्या हुआ? सब ध्वंस, सब खत्म हो गया, सबके सब कुछ भी नहीं रहा। क्योंकि कारण है, वो जो दूसरे दूसरे देवा देवी से जो चीज मिलता है ना, वो ज्यादा दिन नहीं रहता है, वो थोड़ी दिन के लिए रहेगा, बाद में वो खत्म हो जाएगा, वो दे देंगे लेकिन बाद में वो चीज फिर नष्ट हो जाती है। लेकिन ठाकुर जो चीज देते हैं, भगवान जो चीज देते हैं, वो कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए कुछ कुछ लोगों का धारणा है, क्या धारणा है, अरे भगवान को भक्ति करेंगे, अरे जो निष्काम वाले ना, वो तो भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ऐसे नहीं, जैसे ध्रुव जी का कथा सुने नहीं, ध्रुव जी को जब उन्होंने भगवान को भक्ति करने के लिए गया,
अब बताओ किस लिए गया था? किस लिए गया था? वो मुक्ति पाने के लिए नहीं गया था, वो सोच रहा था मैं पिताजी का गोद में बैठने जा रहा था, मेरे को गोद में बैठने नहीं दिया हैं, और राजा मुझे राजगति मिलनी चाहिए, छोटे भाई कैसे ले रहा है, मेरे को मिलनी चाहिए राजगति, जो माँ मेरी माँ बड़ी माँ, इसलिए राजमाता किसको होनी चाहिए, मेरी माँ को राजमाता बननी चाहिए मेरी माँ को, लेकिन अभी छोटी माँ जोर जबरदस्ती ले रही है, अन्याय है, इसलिए मैं भगवान को उपासना करके क्या करूंगा, मैं राजा बनूंगा और मैं अपना माँ को राजमाता बनाऊंगा है। वो इसलिए गया था भजन करने के लिए, वो भक्ति के लिए पहले ध्रुव नहीं गया था, लेकिन देखो भगवान की भक्ति में दूसरे दूसरे देवादेवी भक्ति में क्या फर्क है, इसलिए जब उन्होंने भगवान की भक्ति उन्होंने किया है ना, जब ठाकुर जी दर्शन दिए, संतुष्ट होकर दर्शन दिए, नारद जी गुरु मंत्र प्रदान की, जब भगवान की भक्ति करते हुए ठाकुर का दर्शन मिला, भगवान क्या कहते, बोले ध्रुव जी भर करके मेरे से मांग ले, मैं ऐसे के देवता हूँ जैसे शंकर जी के बताओ, देवी के बताओ, गणेश जी के बताओ, अगर मुक्ति चाहोगे ना वो नहीं दे सकते तुमको, ये संसार की थोड़ी दिन के लिए कुछ वस्तु प्रदान करते हैं, वो जो दो दिन बाद में नष्ट हो जाती है, लेकिन भगवान कहते सब कुछ देने वाला मालिक मैं हूँ, तो अपना जी भर करके मांग ले, तुमको क्या चाहिए, क्या चाहिए। देखो जब भगवान का दर्शन हो जाता है इसे लाभ क्या है, हैं? आपको दोनों हाथ में लड्डू मिलेगा आपको। ध्रुव जी कहते प्रभु मैंने पहले मूर्ख था, मेरे को पता नहीं था आपकी चरण की भक्ति की महिमा, इसलिए पहले तो मैं राज्य लोकसाया था, लेकिन उदाहरण देते हैं, अगर कोई व्यक्ति कांच की टुकड़े ढूंढते ढूंढते अगर किसको पारस पत्थर मिल जाए, मणि मिल जाए, ये पारस पत्थर को छोड़ करके ये कांच की टुकड़े को कौन ग्रहण करेगा, आपका चरण तो देव मुनि के लिए भी दुर्लभ है, तभी आप देव मुनियों को भी प्राप्त नहीं होता है कठोर तपस्या करके, जब आप हमें मिल गए प्रभु में तृप्त हो गया हूँ, मेरे को तो संतों की संगत हो, आपकी चरण की भक्ति और सेवा दे दो। भगवान बोले ध्रुव ये मिल जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन कुछ मांग दो, क्योंकि दुनिया बोलेगा इतना छोटा बच्चा भगवान की भजन किया, ठाकुर कुछ दिए ही नहीं, भगवान कुछ दिए ही नहीं उसको, इसलिए मेरी बदनामी हो गया, मेरे सुख के लिए कुछ मांग है, मेरे सुख के लिए तो कुछ मांग, तब भी वो कुछ मांगा ही नहीं, उन्हें तब भी कुछ उन्हें नहीं मांगे, लेकिन भगवान अपने आप दिया, देखो क्या दिया, बोले संपूर्ण पृथ्वी में दिव्य 36,000 साल तक निष्कंटक रूप में तुम राजत्व करो, निष्कंटक रूप में दूसरे प्रतिद्वंदी तुम्हारी कोई नहीं रहेगा, निष्कंटक रूप में संपूर्ण पृथ्वी में कितना साल तक, 36,000 साल तक राजत्व करो, उसको बाद में मेरे जैसे एक बैकुंठ लोग है ना, तेरे लिए भी एक बैकुंठ बना दूंगा, हैं? जब तक ये दुनिया रहेगा तेरे सबके सब स्मरण करेंगे, अभी हम ध्रुव तारा को बोलते ना, ये ध्रुव तारा बोलते ना, लेकिन उन्होंने कब कब की कथा, कब से कब की कथा है, सत्य युग की कथा है, लेकिन अब कौन सा युग चल रहा है, कली युग, कितना साल हो गया, हाँ देख लो कितना साल पहले, यदि कलयुग का जो परमायु है हिसाब कर लो, हिसाब कर बताना कितना हो रहा, कलयुग का परमायु 4,32,000 साल, कलयुग का कर जो द्वापर युग का उसका दो गुना कर लो कितना होगा, 64,000, अभी तृतीय युग को इसको तीन गुना कर दो कलयुग को कितना होगा, बोलो 25 समथिंग हो गया, अभी सत्य जीव को कलि जीव का 4 गुना कर लो, 1,00,000 हाँ, अभी इसको मिसाओ कितना होता है, कितना हाँ, इसलिए इसलिए कितने हाँ 4,00,000 उसको सब सब मिला दे, मिला करके जितना होगा ना वो उतना लाख है, इतना सत्ययुग इतना साल पहले आया था है, अभी कलयुग में अभी भी ध्रुव जी का नाम अमर हो गया, उनका लोक भी अमर हो गया, देखो कहते भगवान की भक्ति से मिलता है क्या, भगवान की भक्ति से दुनिया का धन दौलत मिला ही है, अनुसंख रूप में मांगना जरूरत नहीं, भगवान वो भक्त नहीं चाह रहा है लेकिन भगवान उसको जोर करके दे रहा है, इसलिए वो जो वापस आया ना ध्रुव रो रो करके दुखी होकर, क्यों क्यों दुखी होकर क्या है,
बोले भगवान फिर माया की संसार में फंसा दिया, पृथ्वी का राज्य तो मिला, कहते भगवान हमें क्यों ये माया में फंसाए। बोले जब भक्ति हो जाती है ना, फिर ये चीज उसको भी रुचि से रह जाती है, हैं? भक्ति में जो आनंद जो रस है ना, वो और कहीं नहीं है। वो राज्य तो पृथ्वी का राज्य तो मिला, लेकिन दुखी होकर के आए, भगवान कहा मेरे को फिर दोबारा माया की संसार में फिर फंसा दिया है। लेकिन दिव्य छतरी से 1000 साल राज्य तो किया, उसके बाद आप लोग सुन रहे थे ना, स्वयं कौन आए, स्वयं मृत्यु आई, जिसके सर पर प्यार रख करके सीढ़ी बना करके ये शरीर भी उनको छोड़ना नहीं पड़ा। ये जगत में ऐसे कौन हुई जो शरीर नहीं छोड़ता, ये सुनना ही पड़ता है, सबको शरीर छोड़ना पड़ता है, लेकिन उनको शरीर छोड़ना नहीं पड़ा। इसी शरीर में बैठ करके उनने वैकुंठ लोक को विजय किया, संसार का सुख मिला ही है, उसके बाद में उसको चिरकाल के लिए वैकुंठ सुख मिला, जहाँ जन्म मृत्यु दुख कष्ट जरा व्याधि कोई दुख कष्ट है नहीं। इसलिए कहते जब भगवान की भक्ति करोगे ना, ये चीज मिलेगी, लेकिन जब तुम दुनिया तेरी देवा देवी की पूजा करोगे तुमको क्या मिलेगा। हाँ, उदाहरण दिया, जैसे किसी दुकान में जाओ, आप किसी दुकान में जाओ है, दुकान में जा करके उसको 100 रुपया दो, उसको बोलो मेरे को जहर दे दो, वो दे देगा कि नहीं, जो उसको पैसा से मतलब है। लेकिन एक बच्चा अपना माँ के पास में जाए, बोले मैया मेरे को जहर दे दे, मैया देगी थप्पड़ मारेगी, बोले जहर कोई खाने का चीज होता है, हैं? ले लड्डू खा ले, मीठा खा ले, रोटी सब्जी खा ले, मैया नहीं देगी उसको, उसको मैया। लेकिन ये दुकानदार क्या करेगा, दे देगा, ये चीज को समझो, ये जितने सब देवा देवी सब दुकानदार है, क्योंकि हमारे साथ में इसका कोई मतलब नहीं, संबंध हमारी नहीं है इनको साथ में, हमारे कोई संबंध नहीं है, हमारे जो संबंध है भगवान कृष्ण को साथ में, राम को साथ में। इसलिए कहते ना, तुमेव माता च पिता, तुमेव तुमेव बंधु सखा, तुमेव तुमेव विद्या द्रविण, तुमेव तुमेव सर्व मम देवदेव। ये हमारी माँ, ये पिता है भगवान, इसलिए ये चीज जहर को नहीं देंगे। कहते जो विषय है संसार की, ये जहर है, हाँ देंगे, लेकिन जब तुम्हारा पेट सही हो जाएगा। अब देखने पर पेट अभी पतला है, खिचड़ी खाया करो, अभी खिचड़ी खाओ, जब पेट सही हो जाएगा ना, फिर इतना दूंगा तुझे सोच नहीं सकते। जैसे उदाहरण दिया, पिताजी का एक अच्छा बिजनेस है, बढ़िया बिजनेस, खूब माल आता है, पैसा आता है, लेकिन उसको 3-4 लड़के हैं। कितना लड़के? 3-4 लड़के। आप बताओ, वो जो जो ट्रेजरी का चाबी काटी क्या हर बच्चों का हाथ में देगा, वो किसको हाथ में देगा? हाँ, जो हो ना देखता है ये बेटा मेरे बिजनेस को ठीक ठीक से देखेगा, पैसा को उल्टा पुल्टा चीज में नहीं लगाएगा, पैसा को उसने सही सही काम में पैसा को लगाएगा। फिर पिताजी उन्हें कहाँ भेज रहे? इसलिए वो जो चाबी काटना है उसी बच्चे को देगा। और जो बच्चा सिनेमा जाता है, जुआ खेलता है, इधर उधर अबारे बच्चों के साथ में घूमता है, चाबी काटी बच्चे को हाथ में देगा? बोले सब उड़ा देगा, वापस भी ले लेते, हाँ माता जी को सब पता है, इसलिए उसको वापस भी ले लेंगे, बोले दे दे चाबी काटी दे दे। और जो बच्चा कभी उल्टा पुल्टा संगत में नहीं जाएगा, पिताजी का आदेश पालन करेगा, माँ जी की सेवा करता है, ठीक से ठीक बिजनेस देखता है, हैं? वो कोशिश करता है उसको कैसे बढ़े, वो उसको हाथ में पिताजी चाबी काटी देगा। कहते उसी तरह भगवान भी देंगे तुम्हें, इतना देंगे तो छप्पर फाड़ करके देंगे, लेकिन जब तुम होनहार बन जाओगे, ठीक है ना। इसलिए जो दूसरे देवा देवियों ने, जो जिन जिनियों को देखोगे, शास्त्र पढ़कर देखो, माता देवी अगर किसको पैसा दिया, बहुत सारे राक्षसों को पैसा दिया, शंकर भी बहुत सारे लोगों को राक्षसों को पैसा दिए हैं, इसलिए गणेश से भी दिया, लेकिन लास्ट में दिखाई पड़ता है पैसा को पाकर उदंड हो गए, पैसा को पाकर अभिमान गर्भ आ गया, बड़ी गंदी गंदी, जैसे रावण को सोने की लंके दे दिया, लास्ट में सीता जी को उठा कर ले गया, हैं? माँ सीता को उठा कर ले गए, और एक सीता को ऊपर बलात्कार क्यों नहीं किया? एक समय कोई एक लड़की, और रामायण देखे होंगे, लड़की तपस्या कर रही थी, देखने में बड़ी सुंदर थी, उसको जोर जबरदस्ती उसको शादी करना चाह रहा था, उसने अभिशाप दिया, बोले भविष्य में अगर और किसी लड़की के ऊपर तुम ऐसे अत्याचार करोगे तो सरकार हर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसलिए सीता जी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं की, क्यों? उनको पता अभिशाप उसको मिला हुआ है। इसलिए दूसरे देवा देवी से वस्तु ग्रहण करने से अहंकार अभिमान पाखंडता अंदर में आएगी, लेकिन जब भगवान की भक्ति कर जो करोगे, अगर उनकी कृपा से मिलेगा, कभी तुम्हारे अंदर में पाखंडता नहीं आएगी,
ये दुष्ट बुद्धि नहीं आएगी कभी, तुम्हारे दिन सद्बुद्धि आएगी। इसलिए देखो जितने भगवान कृष्ण के भक्त, राम के भक्त, नारायण भक्तों का नाम लो, जिनका नाम लेते ही तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा। तुलसीदास जी को देखो, मीराज जी को देखो, गोपियों को देखो, सूरदास को देखो, नरसिंह भगत को देखो, ध्रुव प्रहलाद, अम्बरीश महाराज का नाम सुनो, स्मरण करते तुम्हारे मन पवित्र हो जाएगी। शंकर जी भक्त, कोई भक्तों को स्मरण स्मरण करते तुम्हारे हृदय अपवित्र हो जाएगा। सब राक्षस, सबके सब, सब उल्टा पुल्टा काम करने वाले हैं। इसलिए भक्ति करो तो किसको करो, बांके बिहारी करो, गोविंद देव करो, कृष्ण करो, मथुरा देश की करो, भगवान कृष्ण की करो। जिनको करने से तुम्हारे हृदय तुम्हारे निर्मल होगा, और वो जो जब चीज देंगे वो चीज भी पक्की चीज देंगे, और उनको भक्ति करने से भी भगवान के धाम भी भगवान को प्राप्त होगा। ठीक है ना, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम।